शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। तो वैसे तो हम जो भी कथाएं कहते हैं वो पौराणिक प्रामाणिक वेद उपनिषदों आदि से संबंधित ही कहते हैं, लेकिन कुछ कथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। ये भी मुझे एक बड़ी सुंदर किताब है जिसमें सारे ही जो हमारे वर्ष के पर्व हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनमें क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस किताब से प्राप्त है और समाज में बड़ी प्रचलित है। हमारी माताएं बहनें दादी ये जो बुजुर्ग हैं इसको गाते आए हैं, सुनते आए हैं, कहते आए हैं और वैशाख मास में विशेष करके इस कथा को ये प्रतिदिन औरतें जो हैं स्त्रियां सुनती हैं, आपस में सुनाती हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये कथा मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। बड़ी सुंदर कहानी है जो कि वैशाख मास के स्नान के महत्व को प्रदर्शित करती है। भाई एक वैशाख मास के स्नान का कितना महत्व है, क्या कुछ मिल जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा था, उसका नाम यहां नहीं आया है, जो कि सुबह जल्दी उठता था और वैशाख मास के महीने में गंगा जी में स्नान किया करता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी, राजा से पहले ही स्नान कर लेती थी वो, और राजा बाद में नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ सा देखा तो उसने पहरा लगा दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि ध्यान रहे कि मुझसे पहले कोई भी ना नहा पाए। तो गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया रहती थी और डाली के सहारे उतर करके गंगा जी में वो स्नान कर लेती थी राजा के आने से पहले ही, और पेड़ पर जाकर के बैठ जाती। वैशाख पूरा हो गया और उसे एक दिन जो है फिर सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें यदि नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़ करके राजा के पास ले गया और कहा कि महाराज ये बंदरिया है, ये आपसे पहले नहाती है। अब राजा के यहां संतान नहीं थी इसलिए वो नहा रहा था और उसका एक प्रण था, प्रतिज्ञा थी, एक संकल्प लिया हुआ था राजा ने कि जो भी कोई स्त्री मेरे से पहले गंगा स्नान कर लेगी मैं उसके साथ विवाह करूंगा। तो राजा ने अपना प्रण पूरा करते हुए, स्त्री तो कोई नहीं थी लेकिन उस बंदरिया ने राजा से पहले स्नान किया था वैशाख मास में पूरा महीना, तो उसी से विवाह संपन्न किया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई, उसका पुण्य था। महीने पूरे हुए, समा आया, जब बंदरिया से पूछा, बंदरिया ने पूछा राजा से कि मेरे बच्चा होगा तो मैं किसी जगह आऊंगी, क्या करूंगी, चिंता हुई बंदरिया को। ये सुनकर के राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब तेरे को दर्द हो तब ये घंटी हिला दिया करो, फिर मैं आकर के सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियें थी, अब सोतिया डहा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि बंदरिया के पास राजा रहे। तो उस बंदरिया से पूछा एक रानी ने जाकर के, ये घंटी किसने बांधी है। तो बंदरिया बेचारी साधारण थी, उसने बता दिया कि ये तो राजा जी ने बांधी है, जब मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें ये घंटी बजा करके बुला लूंगी। तो रानी ने कहा कि जरा बजा करके तो दिखा कैसे बजाएगी, राजा जी आएंगे नहीं आएंगे। बंदरिया ने घंटी बजा दी, राजा आया, जब पूछा घंटी क्यों बजाई तो बंदरिया बोले कि रानी ने कहा था इसलिए मैंने बजा दी।
समय आया, बंदरिया के बच्चा होने लगा दुख। उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, क्यों अभी तो दर्द हुआ था, बच्चा होने वाला था। तो रानियों को तो मौका मिल गया। उनमें से एक रानी ने, जिसने पहले चाल चली थी कि राजा ना आए किसी तरह, इस पर विश्वास ना करे घंटी बजाने पर, उससे जब पूछा तो उस रानी ने झट से कहा कि तू ऐसा कर, आंखों पर पट्टी बांध ले काली और ओखली में सिर दे ले, फिर बच्चा आराम से हो जाएगा। बस रानी तो कह के चली, पीछे खड़ी हुई। बंदरिया ने ऐसा ही किया। वैसाख स्नान का फल कि बंदरिया ने उसके फल से, वैसाख नहाने के पुण्य से एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सुंदर लड़का। और होते ही रानी ने क्या किया, राजा को नहीं दिया, खबर नहीं दी राजा को, दासी को दे दिया और दासी को कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे। बंदरिया के पास आटे को गूंथ करके खून उसमें लपेट करके रख दो। राजा ने आकर के पूछा कि क्या बच्चा हुआ है, तो उस रानी ने कहा कि ना बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि चलो जब रानियों के बच्चा नहीं हुआ तो मेरा भाग्य ही ऐसा है, इसको तो क्या होना था, इसको कैसे होता। उधर दासी जो है बच्चे को फेंकने गई तो उस सुंदर बच्चे को देख करके उससे नदी में नहीं फेंका गया, ममता जाग गई, दया आ गई। तो वहीं पर एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, तो उसके यहां एक खड्डा सा था, उस खड्डे के अंदर रख करके वो आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा कि बड़ा सुंदर बच्चा है। यह देख करके कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था और इसलिए शायद भगवान ने कृपा करके हमारे पास इस बच्चे को भेजा है, यदि तू इसको पाल ले तो अपने हम इसे अपने घर ले चलते हैं, अपने साथ ले चलते हैं। कुमारिन ने कहा कि क्यों नहीं, जरूर ले चलेंगे, भगवान ने तो मेरी गोद भर दी, बड़ी खुश हुई, हमारी खातिर ही भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। तो कुमारिन ने उसको बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया। और ये तो प्रसाद था कार्तिक मास के स्नान का। तो कुछ ही समय के बाद उस लड़के को सारी बात का पता चल गया कि मैं बंदरिया का बच्चा हूं और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देख करके बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी भी पी लेगा फिर भरना। दासियां बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला आप हैं मूर्ख तो, कहीं भला बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियों को बात खटकी और दासियों ने जाकर के रानी से बताया, कहा रानी को कि एक कुम्हार का लड़का है और उसने हमें ये बात कही है और घड़े पर कंकरी मार करके हमारा तो घड़ा ही फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू बनाया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को जाकर के खिलाओ, क्योंकि एक पाप को छिपाने के लिए फिर पापी और पाप करता है। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वो लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने क्या किया कि उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर फिर देखा, उससे अगले दिन लड़का तो मरा ही नहीं है, खेल रहा है, फिर रहा है। इस पर रानी रूठ करके सो गई तो राजा ने आकर के पूछा कि रानी सो क्यों रही है? तो रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा ये क्यों कड़वा बोलती है, ऐसा क्यों कहती है? पर रानी है, रानी की जिद थी, जिद के आगे राजा की नहीं चली। राजा ने सोचा चलो रानी को खुश करते हैं, अधिक पूछताछ भी नहीं की और उस कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार अब जो है जंगल में रहने लगा और वहां वह लड़का
साथ में था, वो एक दिन अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो छोटे छोटे। वो ठंडे ठंडे घड़े भर करके वन में बैठ गया। अब गण गोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए एक विशेष पूजा होती है, उसके लिए बहुत सारी लड़कियां आई, राजा की साहूकारिणी भी आई थी और बगीचे में बैठ करके खेलने लग गई। मतलब राजा का जो साहूकार था उसकी लड़की भी आई थी। खेलते खेलते प्यास लगी उनको। ये लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। वो लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चलो, पानी पीती चलो, मेरे पीछे घूमती फिरते पानी पी लो। फिर कई लड़कियों ने कहा कि हम नहीं खाएंगे, हमें तो प्यास लगी है, तू खा ले। लेकिन फिर वो लड़कियां जो है आगे बैठ गई। लड़का एक एक करके गोली देता रहा, वो खाती रही और ठंडा पानी पिया और उस लड़के के चारों तरफ फिरने लगी, परिक्रमा करने लगी। सब लड़कियों ने पेट भर करी, जल से पेट भरा। और यहां एक आश्चर्य हुआ, क्या कि उन लड़कियों के पेट में ठंडा पानी और केवल वो जो गोली थी वो खाने से ही गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर के घर गई तो पीछे उनके बाप ने, उनके जो पिता थे उनके, उन्होंने विवाह के बारे में विचार किया लेकिन विवाह नहीं निकल रहा था। पर उसने कहा भी विवाह तो होना चाहिए। खैर कुछ दिन के बाद लड़कियों में से किसी का जी घबराए, कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे। सबने पूछा कि क्या तुम्हारे को क्या हो गया। तो वो लड़कियां कहती हैं हमें तो पता नहीं। एक लड़की आगे आई तो कहती हमें अधिक तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन ना हम वन में जंगल में मिट्टी लेने गई थी तो हमें प्यास लगी, वहां एक कुमार का लड़का था, उससे हमने पानी मांगा और वो हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद जो है स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिरो मेरे। बस ये बात सुनकर के सबके पिता जो हैं वो उस कुमार के लड़के के पास गए और बोले कि हम अपनी लड़कियों का विवाह अब तेरे साथ करेंगे। अब क्या करें, उनकी तो इज्जत की बात थी। तो उसने सबसे के साथ फेरे लेने को कहा। कुमार ने कहा कि महाराज आप बड़े आदमी हो, हैं मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा, कैसे इसका काम चलेगा, इसे कैसे इनकी संभाल करेगा। पर सब कोई जो है उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह करके चले गए और बहुत सारी धन दौलत दे करके अपनी लड़कियों को सौंप दिया। तो इस तरह 108 बहुएं आ गई, 108 लड़कियां थी वो। फिर सबके लड़के भी हुए, लीला प्रभु की। 108 कमरे बना दिए गए, सब बहुओं के लिए भी कमरे बना दिए गए। फिर लड़के ने कहा कि पिताजी अब हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, हैं आपके कितनी बहुएं आई हैं और इतने ही पोते हो गए। कुमार ने कहा जिमा दो सबको। तब सारी नगरी और राजा रानी को भी बुलावा भेज दिया, सभी निमंत्रण पर आमंत्रित हुए आए और राजा का परिवार भी सेना सहित आमंत्रित हुआ। तो उस लड़के ने कहा राजा से कि हे राजन आप उस बंदरिया को नहीं लाए। राजा ने कहा भाई तुम कहते पहले तो हम बंदरिया को बुला लेते, चलो अब बुला लेते हैं। तो राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी को सजा करके भिजवा दिया और वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर और सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। फिर बंदरी आई तो गद्दी के ऊपर उसको बिठा दिया गया। 108 बहुओं से कह दिया उस लड़के ने कि ये बंदरिया मेरी जन्म देने वाली माँ है और सब कोई जो है सोने की मोहरे दे करके गोद में पोते देती जाओ, अर्थात अपने पोतों को आशीर्वाद दिलवाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरे दे करके पैर छू करके आशीर्वाद लिया, गोद में पोते को देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती चली गई और राजा की रानियां समझ गई कि ये क्या कहानी है और राजा से कहा ये हमें बुला करके हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम तो जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़ करके बोला ये भाई उस लड़के से कि इतना स्वागत इस बंदरिया का क्यों। लड़का कहता है कि महाराज ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है
राजा ने पूछा कैसे, तो लड़के ने बताया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया, कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने एक खड्डे में रख दिया जहां ये मेरे पिता कुम्हार जो हैं बर्तन बनाते थे, इन्होंने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, कुम्हार कुम्हारिन ने, ये मेरे पालने वाले पिता हैं, और जो दासी मेरे को ले करके गई थी वो देखो यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ महाराज, मेरे को दिया था और मुझसे इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको एक खड्डे में रख करके मैं वापस आ गई थी। रानी अब सुन करके चुप हो गई, घबरा गई, क्या होगा। इसके बाद राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया, साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटे को साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले आया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए सबके लिए, और सब वहां जाकर के राज्य करने लगी। सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि कुम्हार, तुझे जितना धन चाहिए, जितनी दौलत चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह, और यदि तेरा मन अपने घर में रहने को कहे तो तू वहां जा। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, इस बच्चे का पालन पोषण किया है। तो कुम्हार को बहुत सारा धन दे करके राजा ने विदा किया। इस प्रकार जो है, जो वैशाख में स्नान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, परम पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए वैशाख मास की जय।